हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अविनाश अग्रवाल और ये है जिज्ञासा वीडियो सीरीज़ का एक नया वीडियो। जिज्ञासा हमारी डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज़ है, जिसके माध्यम से आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, पीआरएस, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। इन्हीं इंपॉर्टेंट सोर्सेज के अंदर से हम यूपीएससी रिलेवेंट आर्टिकल्स चुनते हैं और उन चुने हुए आर्टिकल्स के अंदर से क्वेश्चन बना के आपके सामने ला रहे हैं। आप जिज्ञासा डेली बेसिस पे देखिए, पाँच इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पाँच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पाँच क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा दिए जाएंगे, नोट्स बनवा दिए जाएंगे। एग्जाम के हिसाब से तैयारी कैसे होनी चाहिए, जो एग्जाम के हिसाब से नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, सारी सारी चीजें आपके पास आ जाएगी केवल एक जिज्ञासा डेली बेसिस पे देखने से। जो हमने आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करा है उसको हमने अनबंडल कर दिया है। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट इंडिविजुअली अगर आपको लेना है तो एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 1499 आप ले सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ इकोनॉमी मॉड्यूल पढ़ना है तो आप 1499 में आप ले सकते हैं, सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है तो 1499 में ले सकते हैं, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है 1499 में ले सकते हैं। इसे हमने इसलिए करा है क्योंकि यदि फॉर एनी रीजन आप पूरा क्रैश कोर्स ना लेना चाहें, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और कोई एक आध सब्जेक्ट भी आपका वीक रह गया, कमजोर रह गया, जिसमें आपके पास नोट्स नहीं है, आप भागे फिर रहे हैं यहाँ वहाँ नोट्स ढूंढते हुए, तो आप कहीं मत जाइए, उस सब्जेक्ट की तैयारी हमारे साथ कर लीजिए। बेहद शानदार ढंग से आपको पूरा वीडियोज मिल जाएंगे, हैंड आउट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ आपके पास अधूरी नहीं रहेगी। हमने आपके लिए एक ऐसा ऑफर रखा है जो जनरली कोई नहीं रखता है। आप पूरा क्रैश कोर्स देख सकते हैं हमारा एट द कॉस्ट ऑफ ओनली ₹90। एक हफ्ते का ये ऑफर है, ₹90 आपको पे करना है, ओनली ₹90 आपको पे करना है और उसके अंदर आपको हमारा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जिसका प्राइस है 8999, जिसके अंदर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, सारे वीडियो, सारे टेस्ट, सारे नोट्स, सब चीज आप देख पाएंगे, टेस्ट आप सॉल्व कर पाएंगे, वीडियोज आप सुन पाएंगे, नोट्स आप पढ़ पाएंगे। केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप कोई नोट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और जो एक्सेस आपको मिलेगा एक हफ्ते का एक्सेस मिलेगा, यानी कि वो एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी का आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो 16-16 घंटा बैठ के पढ़ता था एक हफ्ते में, जो मेरा एक कंपोनेंट है उसको मैं पूरा पढ़ लेता था, क्योंकि मेरे को सिविल स्टैप एक्सेस दे रहा है। एक ही चीज आप याद रखना, आप courses.civilstep.com पे जाइए और उसके ऊपर जो है आप 8999 का जो राइट प्रोडक्ट है उसको चुनिए, ढूंढिए और सिविल स्टैप कोड प्रोमो यूज जरूर करिएगा, सिविल स्टैप प्रोमो कोड जरूर यूज करेगा परचेज करते टाइम, पेमेंट करते टाइम, तो आपका जो 8999 का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा 90, यानी कि 9000 का आइटम अगर ₹90 में मिल रहा है, भैया मैं तो दौड़ के ले लूंगा। मूविंग अहेड, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ जिज्ञासा में, उसके कई स्टूडेंट्स जो है अच्छे अच्छे जवाब ढूंढ के निकालते हैं और उनको मैं हर दिन अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो राइट तरीके से लर्निंग कर रहे हैं, एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी, सतबीर कुमार, सोबिया माजिद, योगेंद्र कुमार शुक्ला, मनिंदरजीत गोस्वामी, लवली कुमार, हमीद कुरैशी, रितु सिंह, नियो इनसाइट एज वेल एज हेमा प्रधान, ये वो हैं जिन्होंने मेरे कल पूछे हुए जवाबों के सही जवाब ढूंढ के निकाले हैं, या तो अपनी मेमोरी में से दिए, नॉलेज में से दिए, गूगल में से दिए, किताब में से दिए, इट डज नॉट मैटर। आपको पढ़ना है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, दैट इज द ओनली थिंग मैटर्स। आज भी मैं आप लोगों को सवाल पूछूंगा, लवली, हमीद, रितु, नियो एज वेल एज हेमा, जितने भी लोगों ने कल जवाब दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज भी जवाब देंगे। जो क्वेश्चन आज डिस्कस करने हैं दैट इज रिलेटेड टू बॉन्ड्स, यूनाइटेड नेशंस, चाइल्ड लाइन, ऑल आर्मी वॉर्म, एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। कहीं ना कहीं हर जगह ये सारे सारे जो न्यूज आइटम है एक्सेप्ट फॉर फॉल आर्मी वर्म, वो कोरोना वायरस से लिंक्ड है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत आर्टिकल्स पेपर में अंदर आने लग रहे हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग छोड़ने नहीं लग रहे हैं। सारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स, फ्रॉम वेरियस डोमेन्स हम कवर करने लग रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सारी चीजें अच्छी वाली आपको बताना चाहते हैं। अब आपके सामने रखा है पहला क्वेश्चन रिलेटिंग टू बॉन्ड्स और उसके अंदर आपको सामने दे दिए तीन स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि कूपन पेमेंट ऑन अ बॉन्ड इज द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट दैट द बॉन्ड होल्डर रिसीव्स फ्रॉम द बॉन्ड्स इश्यू डेट अंटिल इट मैच्योर्स। यानी कि जो कूपन पेमेंट है, ये एक शब्द है कूपन पेमेंट, जो कि कई फाइनेंशियल अखबारों के अंदर एज वेल एज किताबों में चलता रहता है। कूपन पेमेंट का मतलब ये है कि जो एनुअल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, मैं कौन हूं, मैं बॉन्ड होल्डर हूं, यानी कि मैंने बॉन्ड खरीदा है, मान लीजिए ₹1,00,000 देकर मैंने एक बॉन्ड खरीदा, तो उस बॉन्ड के ऊपर मेरे को जो एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम कहेंगे कूपन पेमेंट। कॉलेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट कैनॉट बी पेड ऑफ अर्लियर देन द मैच्योरिटी डेट। हर बॉन्ड की एक मैच्योरिटी डेट होती है। सपोज आपने बॉन्ड इशू करा, आप भारत सरकार है, आपने बॉन्ड इशू करा मान लीजिए 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद वो बॉन्ड मैच्योर होएगा। मैच्योर होएगा मतलब क्या, मैंने आपको ₹1,00,000 दिया, 10 साल बाद आप मेरे को वो ₹1,00,000 रिटर्न कर देंगे। 10 साल तक आप मेरे को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, कॉलेबल बॉन्ड वो होता है जिसको आप पे ऑफ अर्लियर नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर सपोज कर लीजिए कि मैंने आपको ₹1,00,000 दिया, आपने मेरे को बॉन्ड दिया, तो आप अर्लियर पेमेंट नहीं कर सकते। 10 साल तक आपको वो ₹1,00,000 रखना पड़ेगा, 10 साल तक मुझे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
करेगा आप कौन हो, आप बॉन्ड इश्यूअर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं बॉन्ड होल्डर हूँ। तो कॉलेबल बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसको अर्लियर पे ऑफ नहीं करा जा सकता, यानी कि 10 साल के पहले यानी कि मेच्योरिटी के पहले उसको पे ऑफ नहीं करा जा सकता है। लिस्टेड बॉन्ड इज अ बॉन्ड ट्रेडेड ऑन अ मेजर एक्सचेंज, यानी कि कोई स्टॉक मार्केट जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उनके ऊपर जो लिस्टेड बॉन्ड है वो बॉन्ड की ट्रेड होती है, यानी कि मैं बॉन्ड होल्डर हूँ, मेरा बॉन्ड जो है वहाँ पर इशूड है, लिस्टेड है, ठीक है, मैं उसको खरीद बेच सकता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं जब चाहूँ उसके अंदर से बाहर निकल सकता हूँ। तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं और समझाने की कोशिश करी कि हर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि कूपन पेमेंट का मतलब क्या है, कॉलेबल बॉन्ड का मतलब क्या है, लिस्टेड बॉन्ड का मतलब क्या है, और ये जो अंग्रेजी में लिखे हुए सेंटेंसेज है इनको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। मैंने ये नहीं बताया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने केवल सिंप्लीफाई करके बताया है कि क्या स्टेटमेंट क्या बोलने लग रहा है। आपको डिसाइड करना है कि क्या कूपन पेमेंट का डिस्क्रिप्शन सही है, कॉलेबल बॉन्ड का डिस्क्रिप्शन सही है, लिस्टेड बॉन्ड का डिस्क्रिप्शन सही है। तो जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक करेंगे, कमेंट करेंगे, स्कोर जरूर शेयर करेंगे। आप लोग अपना आंसर आपके सामने रख रहा हूँ। आंसर इस क्वेश्चन का है सी दोस्तों, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जी हाँ, कूपन पेमेंट यानी कि जो मुझे एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है, राइट, वो है कूपन पेमेंट। लिस्टेड बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि ट्रेड होता है मेजर एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है ना, उसके ऊपर खरीदा बेचा जा सकता है। कॉलेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसको अर्लियर पे ऑफ करा जा सकता है, यानी कि जिसने बॉन्ड इशू करा है वो चाहे तो मैच्योरिटी के पहले ही वो बॉन्ड का जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जो जिसने प्रिंसिपल अमाउंट पे करा था उसको वो प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर दे। आपने बॉन्ड इशू करा कॉलेबल वाला, मैंने आपसे कॉलेबल वाला बॉन्ड खरीदा, आपने भले ही 10 साल के लिए बॉन्ड इशू करा है, लेकिन अगर आप चाहो कि 6वें साल या 7वें साल के अंदर ही आप मेरा 1 लाख रुपया रिटर्न कर दो और आपका वो जो बॉन्ड वॉन्ड है वो सब खत्म हो जाए, आपको वो इंटरेस्ट पेमेंट ना करना पड़े, आपने मेरा 1 लाख रुपया रिटर्न कर देना है, तो आप कर सकते हो। कॉलेबल बॉन्ड कैन बी जो है खत्म कर दिए जा सकते हैं बिफोर द मैच्योरिटी डेट, दे कैन बी पेड ऑफ बिफोर द मैच्योरिटी डेट, दूसरे वाले बॉन्ड कैन नॉट बी पेड ऑफ बिफोर द मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं COVID-19 के। अब सामने सरकार के चैलेंज ये है कि सरकार को बहुत सारा पैसा खर्ची करना पड़ेगा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, लोगों की इनकम को सस्टेन करने के लिए, पॉवर्टी लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, हंगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड लोगों की हेल्थ एंड वेलनेस लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए सरकार को बहुत सारा पैसा खर्ची करना पड़ने वाला है। अब वो बहुत सारा पैसा जो खर्ची करने वाला है वो आएगा कहां से? मोटा मोटी जो है 1 लाख 1.25 लाख 1.5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट रहने वाली है भारत सरकार को। इनफैक्ट वो पैसे की रिक्वायरमेंट और बढ़ती जाने वाली है। तो जो राइटर है जिन्होंने द हिंदू के अंदर बड़ा ही शानदार आर्टिकल लिखा है फाइनेंसिंग द पैंडेमिक रेस्क्यू पैकेज, उन्होंने कुछ 2-3 चीजें बताई है, उन्हीं 2-3 चीजों का मैं डिस्कशन आपके सामने करना चाहता हूं। एक तो उन्होंने बोला कि जीडीपी लिंक्ड बॉन्ड्स आप इशू कर दीजिए। जीडीपी लिंक्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए बॉन्ड का एक मतलब ऐसा होता है कि आपने बॉन्ड इशू करा, मैंने आपको जो है पेमेंट दे दिया, आपने मेरे को एक पीस ऑफ पेपर दे दिया, उस पीस ऑफ पेपर पे क्या लिखा है कि भैया 1 लाख रुपया मैंने आपको दिया है, 1 लाख रुपया आपने रिसीव करा है, वो 1 लाख रुपया आप मेरे को 10 साल बाद दे देंगे और हर साल वो 1 लाख रुपये का आप मेरे को इंटरेस्ट देंगे एट सो एंड सो इंटरेस्ट रेट। बस इतनी चीज लिखी होती है बॉन्ड के कागज के ऊपर, वो कागज मेरे पास होता है, ठीक है ना। जब आपको मेरा 1 लाख रुपया रिटर्न कर देना, मैं आपको आपका कागज रिटर्न कर दूंगा, और जब तक वो कागज मेरे हाथ में है तब तक आप मेरे को इंटरेस्ट देते रहेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जो बॉन्ड है वो लिस्टेड भी हो सकता है, वो इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड भी हो सकता है, यानी कि 1 लाख रुपया लिखा हुआ है उसके ऊपर 1 लाख डॉलर लिखा हो सकता है, 1 लाख यूरो लिखा हो सकता है, 1 लाख येन लिखा हो सकता है। तो अगर उसके ऊपर 1 लाख रुपया लिखा हुआ है कि इस बॉन्ड के बदले में 1 लाख रुपया लिया गया है तो वो रुपी डिनोमिनेटेड हो गया, 25 ईयर्स उसका मेच्योरिटी पीरियड हो सकता है। तो राइटर बोल रहे हैं कि जीडीपी लिंक्ड बॉन्ड्स इशू करिए जो कि लिस्टेड होने चाहिए, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड होने चाहिए, 25 साल की मेच्योरिटी पीरियड होनी चाहिए और वो कॉलेबल होने चाहिए। कॉलेबल का मतलब क्या है कि आप मैच्योरिटी डेट यानी कि 25 साल के पहले भारत सरकार चाहे तो उन बॉन्ड्स को पे ऑफ कर सकती है। जो उसका कूपन है यानी कि जो उसका इंटरेस्ट रेट है उसको जीडीपी के साथ लिंक कर देना चाहिए, ऐसा राइटर कह रहा है। राइटर बोल रहा है कि जो बॉन्ड है उसको अगर आप उसकी इंटरेस्ट को जीडीपी के साथ लिंक कर देते हो, मान लीजिए कि जो भी जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी प्लस 1% विल बी द इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड, तो अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट मान लीजिए 8% रहेगी तो इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड मान लीजिए 9% हो जाएगा, या मान लीजिए फिर जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर 4% है तो इंटरेस्ट पेड ऑन दैट बॉन्ड विल बिकम 5%, यानी कि जो इंटरेस्ट पेएबल है वो वेरिएबल है, दैट इज वेरिएबली लिंक्ड विद द जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी कि जो इतना जितना तेजी से भारत सरकार की जीडीपी ग्रोथ होने वाली है इंडिया की, उतना उतना जो है वो बॉन्ड का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जीडीपी ग्रो होती है भारत सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा आता है, जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन होती है वैसे वैसे भारत सरकार के पास रेवेन्यू कम आता है। तो जब अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो भारत सरकार ज्यादा टैक्स ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकती है और उसे पे करना चाहिए, और जब जीडीपी की ग्रोथ रेट कम है, भारत सरकार के पास रेवेन्यू कम आ रहा है और वो कम जो है इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो वो उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट का बर्डन कम रहेगा। इतना प्यारा प्रकार के बॉन्ड का आइडिया आपको इस राइटर ने दिया है।
ठीक है, और जो लिस्ट कर दिया बॉन्ड, उससे फायदा नुकसान क्या रहेगा? फायदा ये रहेगा कि अगर मेरा बॉन्ड लिस्टेड है, मैं उसको बेच के भी निकल सकता हूँ, कोई और खरीद लेगा। जीरोधा विरोधा के थ्रू मेरे पास जो है बॉन्ड है, मैंने उस बॉन्ड को बेच दिया और मैं अपना निकल गया, मेरे को 25 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने सपोज कर लीजिए कि 1 लाख रुपए का मेरा जो बॉन्ड है उसका मेरे को अच्छा पैसा मिलने लग रहा है, तो मैं बेच के निकलने का मेरे पास ऑप्शन है। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल तो ये हो सकता है। और ये राइटर ने बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा है, इसमें इसने सब कंट्रीज का एग्जाम्पल नाम लेकर बताया है कि कौन से कंट्री ने जीडीपी लॉन्ग लिंक्ड बॉन्ड्स को इशू करा है और इंडिया उनसे क्या सीख सकता है। दूसरा राइटर क्या कह रहा है कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि सरकारी कंपनियां हैं, उनके पास दुनिया भर का नॉन कोर एसेट्स इकट्ठा हुआ हुआ है। नॉन कोर एसेट्स यानी कि दुनिया भर का रियल एस्टेट, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, लोन, कैश, बैंक डिपॉजिट, जो कि उनके कोई काम का नहीं है, जो कि उनका कोई फायदा नहीं देने लग रहा है, जिनको वो लोग बराबर से मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। ठीक है, तो ये सारे सारे एसेट्स को सरकार को इकट्ठा कर लेना चाहिए और एक होल्डिंग कंपनी बनानी चाहिए, और वो होल्डिंग कंपनी को जो है जिम्मेदारी देनी चाहिए कि धीरे धीरे ये जितने भी एसेट्स हैं जो कि नॉन कोर एसेट्स है, स्टील कंपनी है उसको बिल्डिंग का क्या करना है, स्टील कंपनी है उसको लैंड का क्या करना है, स्टील कंपनी है उसको म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगा के क्या करना है, स्टील कंपनी है उसको एफडी करके क्या करना है, तुम्हारा स्टील का काम करो ना। तो जो नॉन कोर एसेट है उसको जो है सारी सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एज वेल एज बैंक्स के जितने भी नॉन कोर एसेट्स हैं उनको इकट्ठा करो और उनको जो है रेमुनरेटिव प्राइसेस के ऊपर धीरे धीरे बेच देने का काम करना चाहिए, और पैसा जो है वो काम आएगा। बड़ा ही शानदार आर्टिकल है, कोविड को ध्यान में रखते हुए, कोविड की पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए जो फाइनेंशियल नीड्स है उन फाइनेंशियल नीड्स को कैसे पूरा करा जा सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके ऊपर आर्टिकल है। उसके अंदर बॉन्ड्स के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी गई थी और उन्हीं प्यारी प्यारी बातों के ऊपर से मैंने क्वेश्चन बना के आपके सामने रख दिया। कोलेबल बॉन्ड वाला जो स्टेटमेंट था गलत था, इसीलिए आपका आंसर बन जाता है सी। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा है, और अगर आपको मजा आ रहा है, कुछ आप नया सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, यही चीज आपको मेंस में कैसे काम आएगी। ये शीट ऑफ पेपर को आपको प्रिंट आउट करके GS2 एज वेल एज GS3 की फाइल में लगा के रख लेना चाहिए। क्यों रख लेना चाहिए? क्योंकि मैं इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे एक्सपेक्ट करता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे एक्सपेक्ट करता हूं। कि देखिए 2019 के अंदर इन्होंने पूछा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, खासकर पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड यानी कि 1991 के दौर के बाद। अब उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे एक घुमा के दूसरे साइड से क्वेश्चन पूछ लिया कि COVID-19 पैंडेमिक, केरला फ्लड्स, ये प्रकार की आपदा हमारे को क्या बताती है कि अचानक से जो है स्टेट के ऊपर या भारत सरकार के ऊपर खर्चे का जो है बर्डन काफी ज्यादा आ जाता है। ऐसे सिनारियोज के अंदर, ऐसे इमरजेंसीज के अंदर सरकारें पैसा खर्च नहीं कर पाती है, सरकारें जो है एडिक्वेट स्टेप्स नहीं ले पाती है, इन प्रकार की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए पैसा हमारे पास होना चाहिए, वो पैसे का इंतजाम हमारे को कैसे करना चाहिए, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने आपको बना के पूछा है अंग्रेजी के अंदर। सजेस्ट सुटेबल मेजर्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इंस्टीट्यूट टू एंश्योर दैट द कंट्री हैज द फाइनेंशियल वेयरविथऑल टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस, जैसे कि पैंडेमिक हमारा कोविड है, जिसके बारे में आर्टिकल ने आपको चार बातें बताई है, हिंट दिया है, चार बातें आप खुद भी सोचिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बढ़िया बढ़िया जो है करें, इसके बारे में अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा, इसके बारे में, ये क्वेश्चन के बारे में एज वेल एज ये क्वेश्चन के बारे में, कि क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, कैसे जो है रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है और एक्सपेंडिचर को ऑप्टिमाइज एंड रैशनलाइज करा जा सकता है, इसके बारे में थॉट्स जरूर शेयर करिएगा। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कोविड से इंस्पायर्ड है। चैप्टर 7 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अलाउज UNSC टू टेक मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री एक्शन टू रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भैया UNSC मिलिट्री एक्शन ले लेगा कोई कंट्री के अंदर टू रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इतनी बड़ी बात बोल दी गई है चैप्टर 7 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में, ऐसा लिखा गया, बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, ये डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का जिसको हमने जिम्मेदारी दे रखी है दुनिया भर के जो भी UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस है उनकी देखरेख करने का। दो स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता दिया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो भी आपका आंसर, उसको आप लॉक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, आंसर आपके सामने रख रहा हूं। आंसर इस क्वेश्चन का है सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। मेरा ड्रामा देख के अगर आपने इसको गलत मार्क कर दिया तो जरूर बताइएगा कि हाँ हमने गलत मार्क कर दिया, मैंने आपको बेवकूफ बना दिया। पॉइंट ऐसा है कि यह आर्टिकल बहुत ही शानदार आर्टिकल है, अगेन द हिंदू का आर्टिकल है, जिसमें बोला जाने ये लग रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं है कोरोना का जो पेंडेमिक है उससे डील करने की, उससे जूझने की, केवल केवल यूएन की एक बॉडी है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस जो इसको हैंडल कर सकता है। अभी ये आइडिया को, ये थॉट को मैं आपको इलैबोरेट करके पूरी कहानी सुनाता हूँ। राइटर क्या कह रहा है, राइटर कह रहा है कि देखो चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है इन द प्रेजेंट टाइम्स। ये वही चैप्टर 7 है जिसके माध्यम से ये करा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मिलिट्री एज वेल एज नॉन मिलिट्री एक्शंस ले सकता है टू रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आज कोरोना की वजह से सब लोग अपने घर में छुप के बैठ गए हैं एज इफ कि मालूम नहीं कौन सा युद्ध
चलन लग रहा है। तो एक प्रकार से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ही हार्म हुआ है ना, एक प्रकार से अगर आप देखा जाए तो। तो राइटर का ये मानना है कि जो चैप्टर 7 है उसके माध्यम से जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए सच दैट कि ये कोरोना के पैंडेमिक से डील करा जा सके। जो चैप्टर 7 है वो ये भी कहता है कि जो भी एक्शन लिया जाएगा उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक मिलिट्री स्टाफ कमेटी बनेगी, और वो मिलिट्री स्टाफ कमेटी क्या करेगी, वो सारे सारे जो भी फोर्सेज हैं उनको स्ट्रेटेजिकली कोऑर्डिनेट करेगी, और मिलिट्री स्टाफ कमेटी के अंदर जो पांचों परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस एज वेल एज रशिया, उन सबके जो चीफ ऑफ स्टाफ है मिलिट्री के, वो लोग प्रेजेंट रहने वाले हैं, ठीक है, इस मिलिट्री स्टाफ कमेटी के अंदर। तो चैप्टर 7 मिलिट्री नॉन मिलिट्री एक्शन लेने की परमिशन देता है, उसके माध्यम से लिया जा सकता है। मिलिट्री स्टाफ कमेटी क्या होती है बता दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस क्या होता है, ये जितने भी यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उनकी देख रेख ये डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस करता है। इसको न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर बसाया गया है, 1992 के अंदर बनाया गया था, और ये पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देता है टू द पीस कीपिंग ऑपरेशंस, सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने के अंदर हेल्प करता है। अब पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में बता देता हूं, चैप्टर 6 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने की। चैप्टर 6 कहता है कि जो भी डिस्प्यूट है उसको शांति से हल करना चाहिए, लेकिन चैप्टर 6 के प्रोविजंस को कभी यूज नहीं करा गया है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए। किसको यूज करा गया है, चैप्टर 7 को यूज करा गया है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए, कि जितनी बार भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस लॉन्च करे गए हैं चैप्टर 7 को इन्वोक करके लॉन्च करा गया है। तो इसीलिए राइटर जो है चैप्टर 7 का गुणगान गाने लग रहा है और ये कहने लग रहा है कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस टाइप के ऑपरेशंस को हमारे को लॉन्च करना चाहिए। जितने भी चैप्टर 7 के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी जो हेडलाइंस वो मैं आपके लिए ढूंढ के लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बोला गया है कि आप बताइए कि यहां पर थ्रेट टू पीस है, तो यूएनएससी आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहां थ्रेट टू पीस है, क्या प्रोविजनल मेजर्स लिए जाने चाहिए, कौन से नॉन मिलिट्री मेजर्स लिए जाने चाहिए, कौन से अदर मेजर्स लिए जाने चाहिए, मिलिट्री मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए, मेंबर स्टेट के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और सारी सारी बातें जो है वो चैप्टर 7 के अंदर बात करी गई है। कुछ महीनों पहले अमित शाह जी बॉम्बे आए थे और उन्होंने जो है आर्टिकल 51 के बारे में बात करी थी इन द रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान जो कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो टाइम पे भी मैंने ये चैप्टर 7 के बारे में बात करी थी, और आज वापस से बात करने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रखी है। दो दिन पहले मैंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको 4, 5, 6, 7, 8 अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें बताई थी, और मेरा आपको जो होमवर्क है आज वो ये है कि आप अपनी मेमोरी के अंदर से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जो भी मैंने अच्छी बातें बताई थी दो दिन पहले उनको आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, चैप्टर 7 जो है वो परमिशन देता है मिलिट्री एज वेल एज नॉन मिलिट्री एक्शंस की, एंड डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस जो है पीस कीपिंग ऑपरेशंस को संभालता है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट बन जाते हैं। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3, चाइल्ड लाइन क्या है। चाइल्ड लाइन एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर आप कंप्लेंट वगैरह भेज सकते हैं चाइल्ड अब्यूज की। देखिए ऑनलाइन पोर्टल यहां पर लिखा हुआ है, मेल वेल करना पड़ेगा, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चला रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, उस चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज का हिस्सा है ये चाइल्ड लाइन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको डिसाइड करना है, तो जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक करेंगे, आंसर आपके सामने रख रहे हैं। आंसर इस क्वेश्चन का है बी, पहला वाला गलत है भैया, बच्चे मेल वेल कहां पर से भेजेंगे, फोन नंबर है ये, फोन नंबर है, देखिए फोन करना है आपको, नंबर दे रखा है यहां पर 1098, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं आपको अगर चाइल्ड अब्यूज का कोई भी प्रॉब्लम होने लग रहा है। अब बहुत ही दुखद बात है, कल या परसों मैंने आपसे जो है एक प्रकार से बात करी थी, एक साइलेंट पेंडेमिक की, एक हिडन पेंडेमिक की बात करी थी मैंने आपसे, कि जो यहां पर इतने सारे लोग अब अपने अपने घरों के अंदर बंद हो गए हैं उसकी वजह से कैसा होने लग रहा है शैडो पेंडेमिक, जो लड़कियां हैं और जो औरतें हैं उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस उनके अगेंस्ट होने लग रहा है वो एक प्रकार से शैडो पेंडेमिक बन के निकल के आने लग रहा है, जिसमें मैंने यूएन विमेन के बारे में आपसे बात करी थी। अब वही चीज़ जो है इंडिया के अंदर भी थोड़ी बहुत देखी गई है कि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉल्स आने लग रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़ के इस चाइल्ड लाइन के ऊपर। तो ये चाइल्ड लाइन क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये हमने कानून पास करा था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाती है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, और ये 24/7 हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1098, और इसको जो पूरा संभालने का काम है वो एक एनजीओ है बॉम्बे के अंदर जिसका नाम है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, वो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, वो इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चाइल्ड लाइन है, और चाइल्ड लाइन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका है कि ये ऑनलाइन पोर्टल गलत है और ये वाली चीज सही है, देयरफॉर द आंसर बिकम्स ओनली एंड ओनली बी।
मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4, फॉल आर्मी वर्म के बारे में जो है आपने थोड़े दिनों पहले भी शायद बात करी होगी, कुछ महीनों पहले भी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। अब इन्होंने आसाम के अंदर जो है एकदम प्रकार से दंगल मचा रखा है फॉल आर्मी वर्म ने। इसी फॉल आर्मी वर्म के बारे में मैंने आपको तीन स्टेटमेंट दी थी और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इनका नाम स्पोडोप्ट्रा फ्रूजीपेडरा भी है। इट इज कंसिडर्ड टू बी ए नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू अर्जेंटीना। इट इज अ मोनोफेगस पेस्ट। तो देखिए आपको बताना है कि इसका साइंटिफिक नाम यही है क्या, स्पोडोप्ट्रा फ्रूजीपेडरा। आपको फिर यह बताना है कि क्या ये सही में नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिकाज है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू अर्जेंटीना, या फिर ये नेटिव ऑफ अफ्रीका है, नेटिव ऑफ सेंट्रल एशिया है। और आपको बताना है कि क्या ये मोनोफेगस पेस्ट है, और मोनोफेगस का मतलब क्या होता है ये आपको खुद को सोचना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो जो भी आपका आंसर है उसको आप लॉक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आंसर आपके सामने रख रहा हूं। आंसर इस क्वेश्चन का है ए, 1 और 2 ओनली, क्योंकि ये मोनोफेगस पेस्ट नहीं है, ये पॉलीफेगस पेस्ट है। तो मोनोफेगस का मतलब होता है कि एक आध चीज खाने वाला जो जानवर है उसको मोनोफेगस कहेंगे। पॉलीफेगस यानी कि बहुत सारी चीजें खा जाता है। और ये आर्मी वर्म इतनी खतरनाक चीज है कि बड़ा ही खतरनाक प्रकार का ये पेस्ट है, ठीक है। और ये पॉलीफेगस है यानी कि 80 प्रकार की क्रॉप्स को खा जाता है, एक को नहीं 80 को खा जाता है। अब यही आसाम के अंदर जो है बहुत परेशानी क्रिएट करे हुए, आया कहाँ से, ओरिजिनेट होकर ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिकल रीजन्स खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और अर्जेंटीना से ये आया है। बड़ा बड़ा डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेता है, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया, सब जगह पहुँच चुका है। मल्टीपल क्रॉप्स खा जाता है यानी कि पॉलीफेगस है। फाओ ने इसको टैकल करने के लिए जो है ग्लोबल एक्शन फॉर फाओ कंट्रोल लॉन्च करा हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो बैसिलस थोरेंजेसिस है वो जो है इसके पास ये टॉक्सिन जो है बैसिलस थोरेंजेसिस, ये फॉग को कंट्रोल करने के अंदर उपयोगी हो सकता है, फॉग को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये बीटी कॉटन का बीटी है दोस्तों। अब यहां पर आ जाता है दूसरा होमवर्क, और दूसरे होमवर्क के हैं दो पार्ट। बैसिलस थोरेंजेसिस के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी, और बीटी के बारे में 3-4-5 लाइनें आप लोग अपने नोट्स के अंदर से, नॉलेज के अंदर से, गूगल के अंदर से ढूंढ के कमेंट करेंगे। और दूसरा ये है कि जैसे अलग अलग प्रकार के जो पेस्ट है अपार्ट फ्रॉम फॉल आर्मी वर्म, जिनका नाम हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है, चाहे वो पिंक बोलवर्म हो या फिर कॉटन को अटैक करने वाला कोई दूसरा पेस्ट हो, या फिर मान लीजिए वो जो बाहर से आ गए थे लोकस्ट आ गए थे गुजरात वगैरह के अंदर, उन्होंने कहर मचा दिया था, लोकस्ट वगैरह के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। तो ये सारे सारे पेस्ट की जानकारी जो है, जो रिसेंट पेस्ट अटैक्स इंडिया में हुए हैं और रिपोर्ट करे हैं, उनके बारे में आप जो है अपनी नॉलेज के अंदर से, नोट्स के अंदर से, गूगल के अंदर से निकाल कर कमेंट करेंगे। और कमेंट का वेट करूंगा, और जो भी अच्छे कमेंट्स हैं उनको कल अक्नॉलेज जरूर करूंगा। फॉल आर्मी वर्म के बारे में क्वेश्चन था, स्पोडोपेट्रा फ्रूजीपेडरा ये करेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स अर्जेंटीना वगैरह में पाए जाते हैं, मोनोफोगस बिल्कुल भी नहीं है, पॉलीफेगस है, 80 प्रकार की क्रॉप्स खा जाता है, इसीलिए आंसर इसका है ए। मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 के बारे में ये क्वेश्चन है। तीन स्टेटमेंट दे दिए और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है इस एक्ट के अंदर डिटेंशन करने का, ये एक्ट पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है विदाउट एनी एक्सेप्शंस, एंड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हैव बीन यूज्ड टू कर्ब हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया। ये कानून के बारे में तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए, केवल केंद्र सरकार के पास पावर है, पूरे इंडिया में लागू होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के अंदर ये हेल्प करता है। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये आपको चुनना है। जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक करेंगे, आंसर आपके सामने रख रहे हैं। आंसर इस क्वेश्चन का है बी, 2 और 3 ओनली, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपको गलत है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी पावर है, राज्य सरकार के पास भी पावर है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। जम्मू कश्मीर में पहले एप्लीकेबल नहीं था, अब एप्लीकेबल है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। अब देखिए ये कानून के अंदर कानून के माध्यम से जो काला बाजारी है, होर्डिंग है, उसको रोका जा सकता है, कोई भी एसेंशियल कमोडिटी को होर्ड नहीं करा जाएगा। इन्फ्लेशन हाई इसीलिए जाता है क्योंकि सप्लाई लोअर देन डिमांड चली जाती है। सप्लाई लोअर देन डिमांड क्यों चली जाती है? क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, होर्ड करके बैठ जाते हैं, गोदामों के अंदर माल भर के बैठ जाते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आई है पास्ट के अंदर, उतनी बार जितनी बार ये सिचुएशन आई है अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये कानून का सहारा लिया गया है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। इसीलिए वाला भी करेक्ट है, होल ऑफ इंडिया वाला भी करेक्ट है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार है, इसीलिए फर्स्ट वाला गलत है, इसलिए आंसर आपका बन जाता है बी, 2 और 3 ओनली। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करेंगे। ये हिंदू का अच्छा आर्टिकल है जिसको आपको रीड करना चाहिए। 90 रुपीज वाले ऑफर का पूरा फायदा उठाइएगा, 12-12, 14-14, 16-16 घंटा पढ़िएगा। 90 रुपीज के अंदर हफ्ते भर के अंदर जो भी कंपोनेंट कमजोर है उसको पूरा स्ट्रांग कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।